आपका औरत का, आपका बच्चे का ऐसा कातिलाना हमला हो गया, लेकिन उसमें आपका खून नहीं खोला? कहाँ था तब आप लोग? कोई तो आपने पूछा नहीं? ममता दीदी के सामने तो बम नहीं पकड़ते? आप क्या चाहते हैं, इमाम को भाता मिले या मुसलमान बेरोजगार जुआ को रोजगार मिले? आप क्या चाहते हो अब बताओ? दीदी आपका नमाज में वो हिजाब पहन के क्यों आती है? वो हिजाब वो नमाज पढ़ने से पहले जितने सारे आपका सिस्टम, मतलब जो रस्म पूरा करना चाहिए वो करके आती है क्या? भूखा पेट में रोजा तोड़, पूरा पेट में पूरा खाना खा के रोजा तोड़ती है, वो बोलती है क्या मैं सारा दिन रोजा रखे हूँ? बताओ, ये जो चुनाव के सिलसिले में 8 मरे हैं, 8 में से आपका कम्युनिटी का कितना आदमी है बताओ ना? क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि शौकत मुल्ला मुझे 5,000 रुपया दे के लेके आया है। बताओ ना यार, अरे खून तुम्हारे भाई का है और खून कराने वाले ममता बनर्जी की पार्टी का है भाई। कांग्रेस की जमाने एक नौकरी पे कोटा था, आज कोटा में कहाँ है आप? मैं आपसे पूछता हूँ ना भाई, आपको मिला क्या आप जवाब दो। बंगाल के मुसलमान को ममता बनर्जी वोट बैंक समझ के राजनीति कर रही है, समझते हो? मैं आपसे पूछता हूँ, आप क्या समझते हो? बोलो, आपके लिए एक कुछ किया कोई भी काम किया? दीदी ने कभी आप लोगों को बैल भैंस से आपका ये करते हैं, कंपैरिजन करते हैं? मैं तनवीर, आप देख रहे हैं राई को लाइव। बंगाल में पंचायत चुनाव 8 जुलाई को होने वाले हैं। इससे पहले नॉमिनेशन को लेकर जिस तरीके से हंगामे हुए हैं, बम अंदाजी हुई और कई लोगों की मौत हो चुकी है। बंगाल बीजेपी के अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने बताया है कि ममता बनर्जी NRC का डर दिखाकर जिस मुसलमानों को बचाने की कोशिश करती है, उस कम्युनिटी के ही 8 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के काउंसिलर सजल घोष जी हैं। सजल जी, बताएं कि जिस तरह से बताया जाता है आपकी पार्टी की तरफ से कि बंगाल के मुसलमानों को डर व खौफ में रखा गया है और इस ही कम्युनिटी के 8 लोग मारे जाते हैं, गलत है क्या? हर बार जैसे ही चुनाव आता है, दीदी NRC और CA का पकवान शुरू कर देता है, तभी वो अपनी तिजोरी से CA NRC लेके आता है। भैया एक बात तो बताते हैं कि 35-40 करोड़ मुस्लिम की आबादी है हमारी देश में। आप अपना दिमाग को लगाओ ना यार, कोई इसको काट के हिंदुस्तान को रख सकता है? इसके बिना हिंदुस्तान कभी हो सकता है? हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं भाई सबके लिए लॉ एक, इतना ज़रूर चाहते हैं। लेकिन दीदी ने कभी आप लोगों को बैल भैंस से आपका ये करते हैं, कंपैरिजन करते हैं? कभी आप लोगों को इस्तेमाल करते हैं सिर्फ इलेक्शन में वोटर बना के रखने के लिए? उनको और कुछ नहीं चाहिए। आप पढ़ो, अब लिखो, अब आगे बढ़ जाओ तो आपको समझदारी हो जाएगा, आप समझदार हो जाओगे। अगर आप समझदार हो जाओगे तो दीदी का ये धंधे पे अब नहीं आओगे। 500 रुपया दिए, आपका ईमान हमारा ईमान खरीद लिया, हमको खरीद लिया है समझता है। मर्द को नौकरी नहीं दिया, 28 रुपया का पाउच पिला दिया, तुम मस्ती करते रहो। तो आप क्या मानते हो, बंगाल के मुसलमान को ममता बनर्जी वोट बैंक समझ के राजनीति कर रही है? क्या समझते हो? मैं आपसे पूछता हूँ, आप क्या समझते हो? बोलो, आपके लिए एक कुछ किया कोई भी काम किया? चलो हमारे लिए नहीं किया, बोलता है ना कि जो गाय दूध देता है मैं उसका लाती खाऊंगा। आप बताओ, आपका कभी कभी आपका गलत हरकतों को वो मान लेती है? आपने वो क्या शर्मा, नुपुर शर्मा ने कुछ कहा था, गलत हो सकता है, हाँ उसके लिए पार्टी उसको सस्पेंड की, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि उसको आग में डाल देगा। तो दिल्ली में बात हुआ था, उसको लेके तोड़फोड़ पूरा बंगाल में कई जगह पर हुआ। आप मुझे बताओ, क्या आप उसे समर्थन करते हो? उनका बात को भी आप समर्थन नहीं कर सकते हो, लेकिन ये तोड़फोड़ किसका नुकसान है भाई? ये तो हमारे पैसे में रेल है, रेल किसके बाप का है? आप ये जो हुआ ये सब कहानी, ये दीदी उसको सपोर्ट कर देती है, आपको पकड़ा नहीं है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होने दी। इससे ज़्यादा आपके लिए एक नौकरी का कोई बंदोबस्त किया है? मैं हिंदू होकर पूछ रहा हूँ भाई, कांग्रेस के ज़माने में शादी, जब हमको आज़ादी मिली उसकी, उस समय से मुसलमान का एक नौकरी पे कोटा था, आज वो कोटा में कहाँ है आप? मैं आपसे पूछता हूँ ना भाई, आपको मिला क्या आप जवाब दो। दाल रोटी
घोष 20 रुपया रोज, यही जिंदगी है का? तो सजल दा ये बताए कि जो चुनाव के दौरान, अभी चुनाव होना बाकी है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी दे दिया है कि सेंट्रल फोर्स यहाँ पे रहेगी, अब डिवीजन बेंच में ये मामला चला गया, तो इस पूरे मामले को किस तरह से देखते, क्या तृणमूल कांग्रेस में खौफ का माहौल है? डर है, हारने का डर है, हारने का खौफ है। अब जानता है हारने का मतलब क्या है, पब्लिक पीट पीट के मार देगा इन लोगों का आधा को, हम लोगों को किसी को हाथ नहीं लगाने का जरूरत, माँ बहनों ने पीटेगा। अब कौन सा राज अभी वेस्ट बंगाल में चल रहा है, आप बताओ ना, आप बताओ। ये जो चुनाव के सिलसिले में 8 मरे हैं, 8 में से आपका कम्युनिटी का कितना आदमी है बताओ ना, क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि शौकत मुल्ला मुझे 5,000 रुपया दे के लेके आया है, बताओ ना यार। अरे खून तुम्हारे भाई का है और खून कराने वाले ममता बनर्जी की पार्टी का है, तो अगर तुम नहीं सोचोगे, अभी हाथ में हाथ डालोगे, ये नहीं हम मोदी जी को नहीं अरे वोट देंगे, हमको भगवा को नहीं लाना है, अरे यार ये भूल जाते हो, बीजेपी का जो झंडे होते हैं ना, तो आधा भगवा होता है तो आधा हरा भी होता है, और यहाँ पर कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं। देखो खराब लगता है, आज से 15 साल पहले भी कहीं पर हिंदू और मुसलमानों के नाम पे बंगाल में कोई भी वोट हम लोगों ने नहीं देखा, कोई नहीं, कोई कभी नहीं देखा। लेकिन ये दरार कहाँ से पैदा हुआ? आप बोलोगे कि भाई बीजेपी हिंदुत्व का पार्टी, अच्छा चलो आपके खातिर मैं मान ही लेता हूँ कि बीजेपी हिंदुत्व का पार्टी है, लेकिन क्या जब उसने वैक्सीन भेजा था तब कंप्यूटर को बोल दिया था कि भाई नाम के आगे शेख रहेगा या मोहम्मद रहेगा कि नाम के पीछे इस्माइल रहेगा, खान रहेगा, तो तू रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा, बोल दिया था? अच्छा भाई एक बात बताओ तो, कोई भी आदमी, ये हमारा जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे सर अब्दुल कलाम साहब, तो बोलो तो अरे वो तो मुसलमान था, उसका मजहब किसी ने पूछा है? उसको कौन बनाया था? उसका मजहब किसी ने पूछा है? अब मैं आपसे पूछता हूँ, उसका मजहब कोई नहीं। आपने कभी स्वामी विवेकानंद का मजहब पूछा है? आप देखो ये मेरा रो खड़ा हो रहा है। आपने कभी नजरुल इस्लाम जो है हमारा बंगाल का कवि जो है उनका कभी मजहब क्या है पूछा है? लेकिन आज ये मजहब वाला बात किसने उठाई? दीदी ने। अरे भाई हम भी तो जाते हैं कहीं पर मुसलमानों का, जितना उसका जो सेक्रेट प्लेस है, दरगाह है, ये है, सब भी जाते हैं। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप क्या दुर्गा पूजा में नहीं निकलते हो क्या? तब ब्राह्मण साज के निकलते हो? हम मैं पूछता हूँ ना, तो दीदी आपका नमाज में वो हिजाब पहन के क्यों आती है? वो हिजाब, वो नमाज पढ़ने से पहले जितने सारे आपका सिस्टम, मतलब जो रस्म पूरा करना चाहिए वो करके आती है क्या? भूखा पेट में रोजा तोड़, पूरा पेट में पूरा खाना खा के रोजा तोड़ती है, वो बोलती है क्या मैं सारा दिन रोजा रख के हूँ? मैं भी तो जाता हूँ, मैं भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं वो भेस लिबास क्यों, मतलब जो लिबास मेरे लिए नहीं है, मैं वो क्यों पहन के जाऊँगा? जब मौलाना को भाता दिया गया आप खुश थे? आप क्या चाहते हैं, इमाम को भाता मिले या मुसलमान बेरोजगार युवा को रोजगार मिले? आप क्या चाहते हो अब बताओ? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप बताओ को किसका रोजगार चाहिए, इमाम को 2,500, 3,000, 4,000 रुपया भाता, या आपका पढ़े लिख के शिक्षित जो बेकार पड़ा हुआ है उनके लिए काम? आप क्या चाहते हो? उनके लिए काम चाहते हो? आप उनको भाता दे दिया, आप थोड़ा बहुत खुश हो गया, ठीक है, सरल आदमी लोग है, खुश हो गया। अब वो देखा कि हिंदू गर्म हो गया, अब वो हिंदू को भी देने लगा, पैसा किसका जा रहा है? पब्लिक, आप और हम का, पब्लिक में हिंदू भी है मुसलमान भी है भाई, ये सोच पैदा होना चाहिए सबके अंदर। मैं अब मानते हैं कि ममता बनर्जी मजहब की राजनीति करते आ रही हैं पिछले 10 साल में, अगर मजहब नहीं है तो कब का वो तो अभी एक्स हो गया होता, अभी तो उसके नाम के पहले एक्स हो गया होता। तो अब वही काम तो मजहब आपको उनको बचाया है, वो उसी को मारा है। बकटुई में कौन मारा है आप मुझे बताओ? बकटुई में कौन मारा है आप बताओ? आप अखबार वाले हो, आप न्यूज वाले हो, मैं आपसे पूछता हूँ कि 2 मई 2021 के बाद से हमारे बीजेपी का कितना कार्यकर्ता मरा है और कितना पार्टी वर्कर तृणमूल का मरा है, उसमें कितना माइनॉरिटी मरा है, उसका हिसाब निकालो। आप कभी नहीं निकाले, आप मजहब मजहब के बातें करते हो, आपने कभी नहीं निकाले,
मैं आपसे पूछता हूँ, क्यों, क्या ममता को डर लगता है एक्सपोज होने का? बताओ ना यार, आप बताओ, वो बकटुई में जो मारे गए 5 लाख दे दिया, तुम वापस आ गया, बस हो गया खत्म। वो भी पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का दिया है, वो भी को दिया है। अरे यार, तुम औरत को, बच्चे को ऐसे जलाया कि लकड़ी जैसा हो गया, देखा नहीं ना, देखा है ना कि फायर ब्रिगेड वाला दो हाथ में दो लाश लेके ऐसे आ रहा है, आपका खून उसमें नहीं खोलता है? मैं पूछता हूँ आपसे, आपका औरत का, आपका बच्चे का ऐसे कातिल, ऐसा कातिलाना हमला हो गया, लेकिन उसमें आपका खून नहीं खोला? कहाँ था तब आप लोग? कोई तो आपने पूछा नहीं, ममता दीदी के सामने तो बूम नहीं पकड़ते? बोलो, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो बताओ मुझे। सिर्फ ACA, NRC, CA, NRC कितना दिन ये बैंड बजाओगे, कितना दिन बजाओगे?